हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द गोस लो, व्हिच इज गोस लो। सो स्टूडेंट्स, गोस लो बेसिकली डिपेंड, बेसिकली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड सारी चीजें हैं। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच पासेस थ्रू अ सरफेस। ये देखा था अपन ने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन ने क्या देखा? दिस इज द फाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस इज द ई डी एस कॉस्ट डी ए भी अपन हो सकता है। अपन पहले डी ए लिखा, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द सरफेस, ओके, एंड दिस इज कॉस्ट थीटा। यही देखा था अपन, ठीक है। अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे देन दिस विल बी ई डॉट डी एस, सही है बात, ओके। सो दिस इज द थीटा एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ओके। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस रिमेन्स ऑलवेज सेम, मीन्स दिस विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब तक अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया है? कॉन्स्टेंट लिया, जहां रखिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, ओके। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, ओके। अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज दिस इज एनी सरफेस, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर, ओके। चलो इसके लिए अपन डीएस लिख लेते हैं एक बार के लिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। दिस इज डीएस, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन देम। तो वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डी एस कॉस थीटा। बोलो सही बात है, इसी को अपन यू लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तो थी अपने पास बेसिक जो अपन ने स्टडी की, जो कि अभी भी अपने काम में आने वाली है, ओके। अब गॉस लॉ की अगर अपन बात करें तो गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द क्लोज्ड सर्फेसेस। क्लोज्ड सरफेस, जैसे अगर अपन बात करें 3D सरफेसेस, 3D मीन्स सिलेंडर, कोन, स्फीयर एक्सेट्रा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो हम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट तो कर सकते हैं, बट विद इट दिस इज द वेरी इजी मेथड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द 3D स्ट्रक्चर, मीन्स क्लोज सरफेसेस, ओके स्टूडेंट्स। सो वी कैन यूज दिस मेथड, दिस लॉ, to find out the electric field for the closed surface only. Other surface, open surface, जैसे sphere की मैं बात करूँ, sorry, square की अगर मैं बात करूँ, तो इसका अपन इस formula से use नहीं कर सकते, इस law से अपन electric field find out नहीं कर सकते। Okay, students, so it is used only for closed surfaces. पहली बात तो आपको ये समझनी है, okay? This is only for closed surfaces. आगे बात समझ में। सो लेट डिस्कस व्हाट इज द गॉस लॉ, देखते हैं। गॉस लॉ किसने दिया था भाई? ये लॉ फ्रेडरिक गॉस, ओके स्टूडेंट्स, फ्रेडरिक गॉस गिवन दिस लॉ, ओके स्टूडेंट्स। सो अगर अपन बात करें गॉस लॉ, गॉस लॉ, ओके, तो अगर मैं बात करूं तो अपन कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस, 3D closed surface, okay? Any three-dimensional closed surfaces, any 3D closed surface, okay, is always equal to, is always equal to the multiple
of net charge inside the surface and 1/ε0. बात समझ आ रही है? The electric flux of any 3D closed surface is always equal to the multiple. किसका multiple? The net charge inside the surface and 1/ε0. मतलब समझ आया? भाई किन दोनों को मल्टीपल? चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट, 1/ε0. सो वी कैन से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू नेट चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, नेट चार्ज अपॉन नेट आना चाहिए यहाँ पे, ध्यान रखना. ओके, और वो भी कहाँ हो? इनसाइड. जैसे सपोज करो दिस इज एनी सिलेंडर. ओके, दिस इज एनी सिलेंडर. ओके, सो द चार्ज शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर. अंदर की तरफ ही होना चाहिए, बाहर नहीं, या फिर सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इनसाइड द सरफेस. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी द मल्टीपल ऑफ नेट चार्ज एंड 1/ε0. बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? ओके, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपन दूसरा फॉर्मूला भी जानते हैं. क्या जानते हैं? क्या अपन स्टार्टिंग में ये देखा था? दिस इज द मल्टीपल ऑफ, वी कैन से दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया. ओके, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. बट यहां पे अगर मैं बात करूं, दिस इज द फोर 3D सरफेस, सो देयर शुड बी द इंटीग्रेशन. ओके, एंड द इंटीग्रेशन इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन. ध्यान रखना ये बात, दिस विल बी क्लोज्ड सरफेस. मतलब यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा किसके लिए होगा? ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि अपन जानते हैं कि अपने पास सरफेस कैसी है? क्लोज्ड है. ओके, गॉस लॉ ओनली किसके लिए अप्लाई हो रहा है? फॉर द क्लोज्ड सरफेस. सो दिस द इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन तरीके शो करते हैं, पर ध्यान रखना. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, क्या अपन ने पहले निकाला था? ऑब्वियसली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बट अपन ने क्या कहा कि गॉस लॉ ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू गॉस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो वी कैन से दैट दिस इज क्यू नेट. ओके, अब ये चार्ज कहां पे होना चाहिए? इनसाइड. ये चीज आपको माइंड में रखनी है भी, चार्ज शुड बी इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब आपको ये पता है दिस इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. पता है चीज अपन को, एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 × 10^-12. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द कंप्लीट लॉ. बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? एनी डाउट? अब इसको अपन प्रूव करते हैं कि वाकई में ऐसा है. क्या वाकई में ये चीज इसकी इक्वल हो सकती है? क्या प्रूव कर सकते हैं? क्या बताओ? बिल्कुल कर सकते हैं. देखो कैसे, देखते हैं. Now, proof of Gauss law. By using, भाई अब तक अपन एक ही तो लॉ पढ़ा है, कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ अपन यूज कर सकते हैं इसके लिए. ओके, प्रूफ ऑफ द गॉस लॉ बाय यूजिंग कूलम्स लॉ. बोलो कोई दिक्कत? क्या आपको कंप्लीट दिख रहा है क्या? ओके, ठीक है. अब अपन देखते हैं गॉस लॉ कैसे अपन से फाइंड आउट कर सकते हैं, या कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गॉस लॉ, तो ये अप्लाई कैसे होगा? सपोज दिस इज एनी
surface. Okay, student, this is any surface. Okay, 3D surface होगी, this is sphere. We can say this is sphere. Okay, भाई floor surface के लिए ही होगा पहली बात तो ये. ठीक है, तो obviously this is the sphere. Okay, and this is the charge plus Q, which is placed inside the sphere. Okay, students, अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक surface ले लूँ. Okay, surface लेनी पड़ेगी मुझे. This is any surface. Okay, this is any surface. अगर मैं यहां पे बात करूं सरफेस के लिए, तो अब ये बताओ क्या अपन यहां पे इस स्मॉल सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. वी नो दैट this is the direction of electric field. Okay, so this is the direction of electric field. बोलो सही बात है. But अपन ये भी जानते हैं, for this the area vector is also perpendicular, sorry, also parallel to the electric field. This is the area vector. बोलो ये बात भी सही है. क्या अपन electric field का formula जानते हैं? Sorry, electric flux का formula जानते हैं. This is the E. ds cos theta, so theta will be zero, and we can say that the electric flux is E ds. Okay, this is the small surface. अपन चलो s ले लेते हैं, क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें, this is the ds. Okay, this is the small area, so this is ds. Okay, so this will be E ds. Any doubt? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? कर सकते हैं. ऐसे ही क्या मैं, अगर मुझे कंप्लीट इसके लिए भाई अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन को फाइंड आउट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है. यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी. बोलो सही बात है. तो मतलब यहां पर भी कहीं ना कहीं अगर मैं सरफेस लू, सपोज दिस एनी सरफेस, ओके, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. बोलो बात समझ में आ रही है? एंड अगेन द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सरफेस की क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज अगेन ds. बोलो सही बात है. यहां पे कोई दिक्कत है इसमें? ओके, सपोज दिस इज phi 1 एंड दिस इज अदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi 2 एंड दिस इज द E ds. बोलो कोई दिक्कत यहां तक? एनी डाउट? ऐसे ही अगर मैं यहां पे लू तो क्या होने वाला? वही सेम थिंग. फॉर दिस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ई डी एस. बोलो होने वाला है क्या? क्या हर जगह पे यहां पे ई डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन यहां पे क्या करने वाले हैं कि यहां पे अपन फाइंड आउट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक एट दिस पॉइंट. तो सबसे पहले यहां पे ई फाइव वन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को गिवन है. सो क्या अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं? क्या अपन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल जानते हैं अपन. भाई अपन जानते हैं अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, अगर अपने पास दिस इज द रेडियस आर, ओके, सो आर रेडियस पे क्या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते? ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट अपन यहां पे क्या बोलने वाले हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर. ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर. ओके स्टूडेंट्स, तो अपन जानते हैं दिस इज द आर डिस्टेंस, सो वी कैन से दैट दिस इज K Q, दिस इज द Q चार्ज अपॉन R स्क्वायर. बोलो सही बात है. क्या मैं इस K को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R स्क्वायर. ओके, दिस इज फॉर द वैक्यूम. मास में आ रही है, इसलिए अपने क्या ले लिया यहां पे? एप्सिलॉन नॉट. वरना एप्सिलॉन में हो सकता था अगर कोई अदर मीडियम होता,
बात समझ आ रही है? यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी, कंप्लीट चैप्टर नंबर किसकी बात करने वाले, एप्सिलॉन नॉट ओनली। ओके सर, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? अगर मैं अब बात करूं फाई वन, दिस इज द फाई वन, दिस इज फाई वन। ओके स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई वन इज इक्वल टू ई डी एस। ओके, एंड दिस इज द फाई टू एंड दिस इज ऑल्सो ई डी एस। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत है? ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे कितने फ्लक्स होंगे, बहुत सारे फ्लक्स होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? ओके भाई, यहाँ पे अपने पास फाइव वन फाइव टू, तो अपन टू सरफेस थी उसके फ्लक्स है, लेकिन अपन जानते हैं यहाँ पे क्या है, कंप्लीट सरफेस है, कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बात समझ आ रही है? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस होल सरफेस वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। ओके स्टूडेंट, सो अपन बात करते हैं नेट फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई ये चीज, समझ आ गई है क्या ये? तो भाई अपने ओनली टू एरिया लिए उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइव वन फाइव टू आई, बट अगर अपन यहाँ पे और भी इलेक्ट्रिक कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। बोलो अपन जानते हैं चीज, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब यहाँ पर कोस जीरो होगा, आपको पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है हर एक प्लेस पे डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। भाई एंगल कितना होगा इनके बीच, हमेशा जीरो का, तो आपको इसको कोस जीरो लिखने का बार बार कोई मीन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस। ओके, वी नो दैट दिस इज द कॉन्स्टेंट, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द यहाँ पे आप क्लोज सरफेस ले लो, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे अपन किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लोज सरफेस, तो आप क्लोज सरफेस लोगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द डी एस। एनी डाउट, कोई दिक्कत है क्या, बताओ यहाँ तक? क्या आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर सकते हैं? दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्ली ध्यान रखना। ओके, एंड दिस इज द डी एस। सो अपन को यहाँ पे करना क्या है, एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा सरफेस लिया, फिर इसका छोटा सा पार्ट यहाँ लिया, यहाँ पे करते करते अपन ने क्या किया, कंप्लीट स्फीयर ले लिया। सपोज दिस इज द स्फीयर, तो अगर अपन यहाँ पे छोटा सा पार्ट लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट, तो कंप्लीट धीरे धीरे क्या आएगा, कंप्लीट एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये चीज सभी को पता है? तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, बताओ मेरे पास क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो वी कैन से दैट द फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एंड दिस इज, सॉरी क्यू नहीं लिखा अपने यहां पे, क्यू, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ी अपना रॉन्ग लिख दिया ना, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज चार्ज एंड अपॉन आर स्क्वायर। ओके, बिकॉज द रेडियस, सो दिस इज द आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ठीक है, अब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो द आफ्टर द इंटीग्रेशन वी विल गेट दैट the total surface area of the sphere and this is the 4 pi r square। बोलो कोई दिक्कत है? this is the radius of the sphere। कर सकते हैं इस चीज को? देखो ध्यान से क्या होने वाला है, 4 pi to 4 pi, then r square to r square, so we can get the net flux is equals to q upon epsilon naught, and this is the proof of the Gauss law। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो था ये भी तो नेट फ्लक्स था भाई, तो ये किसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? कंक्लूजन ये निकला अपने पास। सो अपन क्या कह सकते हैं, वो तो द फ्लक्स, ओके दिस इज फ्लक्स इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू
q upon epsilon naught. Okay, so this is the proof of the Gauss law. बोलो प्रूव हो गया कि ये चीज अपने पास कि अपने पास जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है q upon epsilon naught. ओके स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें अपन को समझनी है, कुछ फैक्ट अपन को समझना है. क्या अपन को इसको देखने पे ये पता चल रहा है कि अपने पर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इट ओनली डिपेंड बिकॉज ये तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई. एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू. सो वी कैन से दैट द फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज. ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज. नोट कर लो, द फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज. ओनली चार्ज पे डिपेंड कर रहा है. जैसे अगर मैं बात करूं, इस चीज को आपको नोट करना है भाई, द फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज. ठीक है, एक चीज और आप नोट करो इसी के साथ साथ, द गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड सरफेसेस. ओके ठीक है, तो अपन को यहां पर क्या पता चला? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज. मीन्स ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा? सरफेस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है. अगर मैं यहां पर बात करूं, आपको यहां पर पॉइंट लिखना है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सरफेस. डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सरफेस. बात समझ आ गई? मतलब साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे सपोज दिस इज एनी स्फीयर एंड दिस इज द प्लस क्यू चार्ज. अगर मैं इसके फ्लक्स की बात करूं, सपोज यहां पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पर भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? द नंबर ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द सरफेस. ओके, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, ये बाहर निकल रही है, बिल्कुल ये बाहर. ओके, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक लाइन. बताओ कितनी है? 1 2 3 4 5. ओके सॉरी, 6. 1 2 3 4 5, 6 लाइंस. ओके, अगर मैं इसी के जस्ट कोसेंट्रिक सर्कल बनाऊं, अगर यहीं पे मैं इसी के लिए मैं क्या बनाऊं? कोसेंट्रिक सर्कल. ओके, और इसको आगे और इंट्रोड्यूस करूं. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस एंड. तो बताओ इस वाले सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या सेम नहीं होगा? बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस क्या है? 1 2 3 4 5 6. मतलब कि अपने पास साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, चाहे स्मॉल अपने पास स्फीयर हो चाहे वो लार्ज हो. ओके, ऑलवेज द फ्लक्स, दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज द सेकेंड. तो वी कैन से द फ्लक्स फॉर द फर्स्ट सरफेस is equals to flux for the second surface and equals to the q upon epsilon naught. अगर इसके अंदर plus q charge है, then this will be always q upon epsilon naught. बात आई समझ में? बात आई कि second thing इसी में अपने पास point आता है. क्या आता है? देखो ये चीज समझ आ गई सभी को? चाहे अपन कहीं पे भी कितने भी अपन circle ले लें, the electric flux will be always same. Okay students? देखो गॉस लॉ से क्या क्या एप्लीकेशन बाहर आ रही है. ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, सपोज दिस इज एनी सिलेंडर. ओके, दिस इज एनी स्फीयर एंड दिस इज एनी कोन. ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज. बोलो कोई दिक्कत है? ओके, देन व्हाट विल द रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन देम? बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? अपन ने क्या पढ़ा? इट डजंट डिपेंड ऑन द साइज. मतलब साइज पे डिपेंड ही नहीं करता है, कुछ भी हो
लेकिन कैसा होना चाहिए, द सरफेस शुड बी क्लोज, द क्लोज सरफेस है भाई, अंदर रखा हुआ देखो क्लोज है, चार्ज का इसके इनसाइड है और चार्ज हमेशा इनसाइड ही होना चाहिए. ओके सो वी कैन से द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा बताओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितना आने वाला है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मीन्स ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम फॉर द सेम चार्ज. अगर चार्ज सेम है देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा बताओ, सेम आएगा. बोलो ये बात समझ में आ गई, फटाफट इसको आप नोट करेंगे. ओके सर स्टूडेंट्स, क्या आपको सभी को समझ में आ गई ये चीज? ओके नाउ वी विल डिस्कस द सम बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सपोज दिस इज एन क्यूब, questions this is any q and a plus q charge is placed inside it. इसमें क्या रखा हुआ है, plus q charge. Okay, question आपके लिए है find the electric flux at each surface of cube. Each surface of cube. Okay? हर एक सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. ओके सपोज दिस सरफेस, क्योंकि आपको पता है साइड अपने पास सेम है. ठीक है भाई, अपन यहां पर अगर बात करें तो इक्वली ही तो अपने पास होगा हर जगह पे. ठीक है, तो हर एक सरफेस पे अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. अपन ने कहा दिस इज द फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, ओके फिफ्थ एंड फाइव सरफेस. ओके तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अपने गोसलो क्या कहा, गोसलो ने ये कहा कि अपने पास कोई भी क्लोज सरफेस होगी देन द टोटल फ्लक्स विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्या ये चीज अपने पढ़ी है बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? अगर अपने पास टोटल जो फ्लक्स इसमें क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, देन वी कैन से दैट द फ्लक्स ऑन द ईच साइड विल बी इक्वल. पहली बात तो साइड इक्वल है, तो नंबर ऑफ लाइंस इक्वल पास होंगी हर एक सरफेस से. बोलो पास होंगी कि नहीं होंगी, हर एक सरफेस से जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो क्या होंगी, इक्वली पास होंगी. अरे भाई बात आ रही है समझ में आपको, समय आ रही है? ठीक है, तो अगर मुझे ओनली वही ये अपने पास किसके लिए है, दिस इज द टोटल फ्लक्स, मतलब टोटल फ्लक्स किसके लिए, ऑल द सरफेस, टोटल सरफेस कितनी है, सिक्स. ओके सो दिस इज द फ्लक्स फॉर द सिक्स सरफेस. इफ यू वांट द फ्लक्स फॉर द वन सरफेस देन दिस विल बी क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन. भाई सही बात है क्या, सिक्स से डिवाइड कर दो तो क्या अपन जानते हैं हरे तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, इक्वल. बात समझ आ रही है? ठीक है, देन दिस विल बी वन अपॉन सिक्स ऑफ द क्यू अपॉन एप्सिलॉन. बोलो ये बात समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत है इसके अंदर? ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था इसके लिए. नेक्स्ट अगर अपन बात करें, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी की. Properties of Gauss's law. स्टूडेंट ध्यान से आपको ये चीज समझनी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट अपने पास है अकॉर्डिंग टू दिस अपन ने कहा कि भाई जो चार्ज है वो कहां पर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए. ओके तो अपन यहां फर्स्ट पॉइंट क्या लेंगे, द चार्जेस. ओके द चार्ज यहां पे क्या सकते हैं, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स.
टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स द चार्ज should be inside the closed surface. Okay भाई, अगर अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो फाइन तो वैसे भी कर सकते हैं. ओके तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक की गोज लगा किसके लिए रहे हैं कि अपने पास चार्ज क्या हो इनसाइड और उसी के लिए अपन क्या लगा रहे हैं गोज लगा रहे हैं गोज लो लगा रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं यहाँ पे बोलू सपोज दिस इज एनी चार्ज विच इज आउटसाइड, समझ में आ रही है, भी अपने पास कोई भी स्फीयर है सपोज. ओके एंड दिस इज एनी क्यू चार्ज, बोलो सही बात है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरह से निकलेगी आउटसाइड, बोलो निकलेगी कि नहीं. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहां पे बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसको आप थोड़ा इस तरीके से लिखो टू अप्लाई गोज लो, बात समझ आ गया, टू अप्लाई गोज लो. ओके द चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस क्लोज सरफेस. अब ध्यान से देखो अगर अपन इसको बाहर लेते हैं तो होगा क्या, देखो ध्यान से, अपन ने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो. भाई अगर अपने पास बाहर अपने पास कोई भी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होगी, ये तो बात सही है. ओके बट वॉट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, सो इट विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कमिंग इनसाइड एंड कमिंग आउटसाइड, बोलो सही बात है. तो अगर मैं यहां की बात करूं तो इसके लिए अपने पास द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर विल बी आउटसाइड, भाई अपने देखा था एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटसाइड होगा, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, बोलो सही बात है. ठीक है, और इसके लिए अगर मैं बात करूं दिस इज ऑलवेज आउटसाइड, दिस इज ऑलवेज आउटसाइड, बोलो सही बात है. ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए कहूं तो अपने पास यहां पे जो फ्लक्स आएगा दिस विल बी माइनस ई ए एंड फॉर दिस पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट के लिए क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि अपने पास जो लाइन है वो इनसाइड आ रही है, एंड फॉर दिस पॉइंट द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव ई ए. ओके सो बोथ विल कैंसिल आउट, भाई यहां से जो इलेक्ट्रिक इनसाइड गई और यहां पे जो आउटसाइड जा रही क्या होगी कैंसिल आउट करेंगे दूसरे को. यहां की मैं बात करूं सेम थिंग, बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर, बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर. ओके तो वी कैन से दैट द फ्लक्स इनसाइड, मतलब जो लाइंस इन अंदर जा रही है, ओके द फ्लक्स ड्यू टू आउटलाइन ड्यू टू कमिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड due to electric field lines coming out. Okay, यहां पर भी इसको अपन ऐसे लिखेंगे the flux due to electric field lines okay coming inside will be equal, बोलो सही बात है क्या, दोनों इक्वल होंगे. अगर ये इक्वल हैं, दोनों का साइन अपोजिट है तो वी कैन से बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर. ओके सो द टोटल फ्लक्स विल बी जीरो, यहां पे फ्लक्स क्या आने वाला, जीरो आने वाला. बट स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है फिर भी फ्लक्स क्या आ गया बताओ, जीरो आ गया. कब आ गया, जब अपने पास चार्ज क्या है आउटसाइड है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसीलिए अपन गोज लो के लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं गोज लो फ्लक्स को तो काम में ले रहे हैं. तो अगर गोज लो आपको यूज करना है देन द चार्ज शुड बी प्लेस्ड इनसाइड. ओके स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट तो ये. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, समझ में आ गई चीज आपको,
ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स is only calculated is only found due to all charges placed inside. अब इसका क्या मतलब है कि भैया अगर मैं कोई चार्ज सपोज दिस इज एनी सरफेस ओके दिस इज अ स्फीयर ओके दिस इज द Q1 चार्ज एंड दिस इज Q2 चार्ज एंड दिस इज द Q3 चार्ज ओके स्टूडेंट दिस इज द Q3 चार्ज अगर मैं यहां पर फ्लक्स फाइंड आउट करूं वी नो दैट द फ्लक्स इज टोटल चार्ज इनसाइड ठीक है नेट चार्ज inside the closed surface then upon epsilon naught so we can say that this will be sum of the q1 plus q2 upon epsilon naught okay students bhai is bahar wale se isko koi lena dena nahi hai baat samne aa gayi okay next point थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ डाइपोल इज जीरो बात समझ आ रही है सपोज दिस इज एनी स्फीयर ओके डायपोल का मतलब समझते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज सपोज दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज ओके स्टूडेंट्स तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई अपने पास दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू सो द टोटल चार्ज इज भाई टोटल चार्ज कितना है जीरो माइनस क्यू प्लस क्यू दिस विल बी जीरो तो अपन जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है दिस इज द क्यू नेट चार्ज इज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एनी क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर क्यू जीरो है देन द फ्लक्स विल बी जीरो बोलो ये बात समझ में आ गई ओके नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एप्लीकेबल ओके वी कैन से दिस लॉ इज एप्लीकेबल only for those vector field okay those vector field which follow inverse square law This is very important. Inverse square law. भाई अपने पास ये inverse square law को क्या करना चाहिए? Follow करना चाहिए. जैसे अपने flux के बारे में, जैसे अगर मैं बात करूँ, electric field की मैं बात करूँ, मैं flux की बात करूँ, जैसे अपन बात करें gravitational force, क्या inverse square law को ये follow करते हैं? Okay? तो अपने पास Gauss law है, जैसे आप लोगों को याद होगा. In the 11th class, in the gravitation chapter, we also used the Gauss law. Shortly किया था, but किया था. बात समझ आ रही है? ठीक है, तो उसके लिए अपने पास only Gauss law किसके लिए apply होगा only for the inverse square law. Okay? समझ आ गई बात? This is important. Okay. Next अगर मैं बात करूँ, एक पहला आपको चीज समझनी है. Gaussian surface. Okay?
ऑब्जर्वेशन गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है? ओके स्टूडेंट, दिस इज द इमेजिनरी सरफेस ओके विच वी अज्यूम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब स्लो को अप्लाई करने के लिए अपन ये अप्लाई करते हैं, वो स्लो को अप्लाई करने के लिए कैसे? सपोज दिस इज एनी स्मॉल सिलेंडर ओके स्टूडेंट्स एंड दिस इज द चार्ज विच प्लेस्ड एट दिस सरफेस। जैसे अपने पास सिलेंड्रिकल जो अपर सरफेस है उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, सपोज दिस इज सिलेंडर एंड द चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस सरफेस, यहां पर चार्ज रखा हुआ है। बट लॉ सेज दैट द चार्ज शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर। यही लॉ कहता है कि भी चार्ज कहां होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। सही बात है जी। अगर अपने पास चार्ज अंदर नहीं है तो अपन इसको कुछ अज्यूम करते हैं ओके। वी विल ड्रॉ अ इमेजिनरी सरफेस। क्या करना पड़ेगा अपन को? एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इमेजिनरी सरफेस ओके। जैसे सपोज करो दिस इज एनी बाउल ओके, बाउल टाइप एंड द चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस सरफेस ओके स्टूडेंट। सो वी हैव टू अज्यूम अ सरफेस ओके विच मेक इट द क्लोज सरफेस ओके। अब देखो चार्ज इनसाइड आ गया कि नहीं आया? बट दिस इज द कंडीशन दैट दिस सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल फ्रॉम दिस चार्ज। मतलब अगर ये लेंथ एल है देन दिस शुड बी एल लेंथ। कहा समझ आ रही है? इफ दिस रेडियस इज इफ द दिस डिस्टेंस अपने देख लिया, अगर यहां पर ये डिस्टेंस आर है देन दिस डिस्टेंस शुड बी आर। अंडरस्टूड ओके? इफ द रेडियस ऑफ दिस इज आर देन दिस रेडियस शुड बी आर ओके। सो दिस इज द सिमेट्रिकल सरफेस। कर सकते हैं दिस सरफेस, दिस इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस ओके स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये आपको ध्यान रखना है। कर सकते हैं ओके तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं अभी, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वो कर सकते हैं। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म एट द एवरी प्लेस ऑफ द गॉसियन सरफेस। जो भी अपन ने गॉसियन सरफेस बनाई है ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट सरफेस पर अपने पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ओके। दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉ फॉर दिस गॉसियन सरफेस, गॉसियन लॉ ओके स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से कुछ पॉइंट्स अपन देखते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट ओके स्टूडेंट्स। तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे? द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोले बात समझ आ रही? ठीक है, चीज समझ आ गई आपको? भाई अपने पास जो गॉसियन सरफेस होगी इट शुड बी सिमेट्रिकल। ठीक है, ये आप डायग्राम में इसमें ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज सिलेंडर ओके एंड दिस इज द चार्ज, सो वी विल ड्रॉ द सिलेंड्रिकल सरफेस विच इज द सिमेट्रिकल टू दिस सिलेंडर ओके स्टूडेंट्स। दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल एल एंड दिस इज एल ओके। इफ दिस इज आर देन दिस शुड बी आर ओके स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ऑन द
गॉसियन सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस should be equal. Okay, the electric field on the Gaussian surface should be symmetrical. बोलो बात आ गई समझ में? Okay students, so these are the important properties. एक property अगर अपन वो लेना चाहें तो अपन बोल सकते हैं the angle between the electric field and the area vector. क्या? The angle between electric field, okay, short में लिख दे इसको, electric field and area vector, okay, should be equal at Gaussian surface. Gaussian सरफेस ऑकेशंस मीन्स गॉसियन सरफेस से अपन जो एंगल लेंगे इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी इक्वल. ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं भाई, ये आपको ध्यान में रखने हैं, बोलो कर सकते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर बेस्ट ऑन द गॉसियन लॉ. ओके, गॉस लॉ. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द गॉस सरफेस. ओके, देखते हैं. Now we will discuss the some questions. Okay. Suppose वही जैसा अभी अपने सिलेंडर लिया. Suppose this is any cylinder. Okay. And the charge is placed at this upper surface. Okay. Upper circular part. यहाँ पे चार्ज आपके पास placed है. Question अपने पास है find electric flux, okay, due to plus q charge. Obviously this is a positive. भी negative भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई. Inside आऊंगा बस ये negative हो जाएगा electric flux. Okay students, तो अब यहाँ पर देखो इसको अपन को find करना तो क्या करना पड़ेगा. Okay, we have to assume सिलेंड्रिकल इमेजनरी पार्ट विच इज सिमेट्रिकल. ओके, विच इज सिमेट्रिकल. अगर मैं यहां पर बात करूं, इफ दिस लेंथ इज एल, ओके, इफ दिस लेंथ इज एल, ठीक है, एल अपने हिसाब से कुछ ही मान लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ओके, सो दिस विल बी ऑल्सो एल, बोलो सही बात है, ठीक है. अगर अब मैं बात करूं तो क्या मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकता हूं? बिकॉज पहले अपने पास कहां था, ऑन दी सर्फेस, सो वी कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके स्टूडेंट्स, बट नाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग द गॉस लॉ. ओके स्टूडेंट्स, यहां पे क्या बोलना पड़ेगा आपको, वी विल अज्यूम अ सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल सिलेंडर अबाउट द q चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज आपको नोट करनी है, ठीक है. वी विल अज्यूम अ सिमेट्रिकल सिलेंडर अबाउट द चार्ज ऑफ द हाइट l, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी होगी बताओ, l होगी. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे. अपन जानते हैं गॉस लॉ अप्लाई हो सकता है यहां से. सो दिस इज द फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बात सही है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. क्वेश्चन अपने पास ये था, क्वेश्चन क्या था भाई अपने पास, ये इसके लिए आपको क्या करना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना था. बट अपन ने तो क्या किया है, इसके लिए क्या है. अगर मैं इसकी बात करूं तो एक बात बताऊं, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट आया है अपने पास? अभी अपने क्या किया है, दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ बोथ सर्फेसिस, समझ आ रही, बोथ सिलेंडर, दिस सिलेंडर एंड दिस सिलेंडर. But we have to find the electric flux only for this cylinder. So we can say that this will be the half. भाई अपन जानते हैं upper वाली तो अपने पास है नहीं ना कहीं पे. भाई ये flux तो है ही नहीं. Only flux क्या है? This is the half flux. Okay? भाई flux कैसे होगा only? इस तरीके से होगा. ठीक है? जो upper वाला है वो तो है ही नहीं ना यहाँ पे.
ओके सो दिस शुड बी द हाफ ओके दिस शुड बी द हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स दिस विल बी हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स बोलो कर सकते हैं इस टाइप से ठीक है ऐसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया सपोज करो दिस इज द स्फीयर ओके सपोज दिस इज एनी स्फीयर सेमी स्फीयर ओके दिस इज द सेमी सिलेंडर एंड दिस इज द सेमी स्फीयर ओके दिस इज द सेमी स्फीयर एंड दिस इज द चार्ज ऑन द सर्कुलर पार्ट बात समझ आ रही है तो ये अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी बताओ अगेन वी विल अज्यूम अ गॉस सरफेस बात समझ आ रही है क्या अज्यूम करना पड़ेगा बताओ गॉस सरफेस एंड द गॉस सरफेस इज इट शुड बी सिमेट्रिकल बोलो सही बात है ठीक है डायग्राम थोड़ा सा आप अज्यूम कर लेना ऑब्वियसली ठीक है दिस इज द स्फीयर तो अब अपन क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वी नो दैट द टोटल फ्लक्स ऑफ दिस स्फीयर इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बट अपन को फाइंड किसका करना है अपन को तो नीचे वाले को फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली दिस शुड बी द हाफ बोलो ये बात समझ आ रही है सेमी सर्कल सेमी स्फीयर सॉरी हेमिस्फीयर इसको अपन कह सकते हैं दिस इज द हेमिस्फीयर Okay, students, and this will be Q upon 2 epsilon naught. Bolo kar sakte hain. Okay, next question. Suppose this is any 2D surface. Koi bhi 2D surface hai, plate maan lo, koi bhi 2D surface hai. ओके एंड ऑन दिस सरफेस दिस इज द क्यू चार्ज क्या अपन इस चार्ज का फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्वियसली वी कैन नॉट फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज ओके स्टूडेंट्स क्योंकि ये क्लोज है ही नहीं दिस इज नॉट क्लोज सरफेस दिस इज द ओपन सरफेस ओके सो वी हैव टू मेक इट क्लोज सरफेस अपन को इसको क्या बनाना पड़ेगा बताओ क्लोज सरफेस को बनाना पड़ेगा ठीक है अगर मैं यहां पर बात करूं क्या मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं देखो ध्यान से समझना देखो इमेजिन करना ओके दिस इज एनी प्लेन सरफेस अगर अपने पास ये प्लेन सरफेस है सपोज ये अपने पास प्लेन सरफेस है दिस इज द प्लेन बात समझ आ रही दिस इज द प्लेन ओके और इसके ऊपर क्या था अपने पास चार्ज था दिस इज द क्यू चार्ज ओके फ्रेंड्स तो अपन ने क्या किया है यहां पे किया क्या ध्यान से समझना यहां पे अपन ने इसके अराउंड क्या कर दिया क्यूब ड्रॉ कर दिया गॉसियन सरफेस के लिए क्या हो गई दिस क्यूब बात समझ लो दिस इज सिमेट्रिकल देखो यहां से भी सिमेट्रिकल होगा यहां से भी सिमेट्रिकल होगा इट शुड बी सिमेट्रिकल फ्रॉम दिस इट शुड बी सिमेट्रिकल फ्रॉम दिस सिमेट्रिकल भाई ये रूल अप्लाई करना जरूरी है सिमेट्रिकल क्यूब ही क्यों बनाया दिस बिकॉज दिस इज द प्लेन इससे पहले स्फीयर ही क्यों बनाया स्फीयर के सेंटर में ही अपने पास क्या हो सकता है सिमेट्रिकल बन सकता है क्योंकि इससे देखो ये रेडियस आर है दिस विल बी रेडियस आर दिस विल बी रेडियस आर दिस विल बी रेडियस बात समझ आ रही है तो अपन ने क्या किया वी विल अज्यूम अ सरफेस दिस इज द गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस बात समझ आ रही है कि भाई अपने पास वो गॉसियन सरफेस अपने क्या कर ली इस चार्ज के अराउंड अज्यूम कर ली क्योंकि एक किसी प्लेन पे अपने पास अगर कोई चार्ज है तो उसका गॉसियन सरफेस क्या होगा क्यूब ही हो सकता है क्यूबॉइड हो नहीं सकता क्योंकि अपन जानते हैं क्यूबॉइड है द डिफरेंट साइजेस डिफरेंट साइड्स सरफेस क्या होंगे उसकी डिफरेंट साइज क्या होंगे तो ऑब्वियसली दिस विल बी नॉट सिमेट्रिकल क्या वो सिमेट्रिकल होगा नहीं हो सकता तो वी कैन से द गॉसियन सरफेस फॉर दिस प्लेन सरफेस इज क्यूब बोलो बात समझ आ गई तो अब अपन कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बताओ इससे पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया था
वी नो दैट द टोटल फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? बट वी वॉन्ट टू फाइंड ओनली दिस सरफेस. क्या इसी सरफेस पे अपन को फाइंड आउट करना है? बोलो सही बात है. अगर मैं सरफेस की बात करूं तो ध्यान से देखना. देखो ध्यान से, ये सरफेस है. बोलो यही तो सरफेस थी ना अपने पास, जिसके ऊपर अपने पास क्या था, ये चार्ज था, क्यू चार्ज. बात समझ आ रही है? तो अगर मैं बात करूं इसके जस्ट अपने पास सिमेट्रिकल सरफेस, क्या इसी को अपन नहीं मान सकते? किसी भी एक सरफेस को क्या कर लो, सिमेट्रिकल मान लो. बात समझ आ रही है? ओके, सो दिस शुड बी, कोई भी एक अगर अपने पास साइड है, कोई भी एक सरफेस है, वी नो दैट दिस विल बी द 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स. बात समझ आ रही है? फिर अगर मैं किसी एक सरफेस से फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, इससे पहले भी अपन ने क्वेश्चन किया था, तो ये क्या होना चाहिए? दिस इज द 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स. बोलो बात समझ आ रही है क्या आपको ये चीज? बोलो समझ आ रहा है? पक्का? देखो ध्यान से. सो वी कैन से दैट द फ्लक्स ऑन दिस प्लेन सरफेस विल बी 1/6 ऑफ द टोटल फ्लक्स. बोलो समझ में आ गया क्या? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द गॉस लॉ. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ, कि गॉस लॉ कहां कहां एप्लीकेबल, कहां कहां अपन इसको यूज करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय.